निकलाम, आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा ताजिया जो एक हिंदू भाई ने बनाया है। चलिए सुनते हैं इस वीडियो को और देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो इस वक्त हम कुशीनगर में हूँ और मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के दूसरा तीसरा स्थान का ये जो मेरे पीछे देख रहे ताजिया है, इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। और मैं कहूँ तो ये यहाँ पर एक हिंदू परिवार का लड़का एक सानी है और वो सानी जी ने इसे बनाया है। इस ताजिया को हिंदू लोग भी देखने आ रहे हैं और मुस्लिम लोग भी देखने आ रहे हैं, पूरे मेला वगैरह देख रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई दिखा दूं और देख सकते हैं यही ताजिया है। ये लगभग बताया जाता है कि ये 15 लाख रुपए का ताजिया बनाया गया है। तो और ये सुरेंद्र जी है और देख सकते हैं ये सुरेंद्र सानी जी है, संयोजक है और मैं इसमें कोशिश करूंगा इसमें सुरेंद्र जी होंगे। आइए बात करते हैं और लेके चलते हैं आपको इस ताजिए की अंदर की खासियत को दिखाते हैं। तो आइए, क्योंकि ये गुफा टाइप में बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे। तो आइए हमारे साथ आप लोग उत्तर प्रदेश का दूसरा तीसरा मैं कहूँ तो सबसे बड़ा ताजिया ये है कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनगर में दो ऐसे ताजिया है, दोनों में बहुत भीड़ है, लोग जिले जिले से दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो आइए और देख सकते हैं ये लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे बड़े भैया भी हैं, देख सकते हैं। हमें मिल गए मुख्य निर्माता, मुख्य संयोजक और जिन्होंने इस ताजिए को बनाया है। और आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हिंदू और मुस्लिम एकता को मिसाल पेश किया है। और सबसे पहले तो हम आपको भी धन्यवाद देंगे जो अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए, बहुत सारे लोग हैं आपको परिचय जानना चाहते हैं, आप कहाँ के हैं, क्या नाम है, ये दिमाग में कैसे आया ताजिया बनाए? मेरा नाम सुरेंद्र सहानी है, मैं ग्राम पछोड़ा पोस्ट खानू छपरा थाना नेबुआ औरंगाबाद जिला कुशीनगर का स्थायी निवासी हूँ और मैं नशा मुक्ति केंद्र चलाता हूँ। हमारे साथ 3,30,000 लोग जुड़े हुए हैं इस समय। मतलब नशा मुक्त भी चलाते हैं केंद्र, जो नशा वगैरह दारू वगैरह पीते हैं लोग उसके लिए, यानी कितने लोगों को आप नशा छुड़वा दिए? 3,30,000 लोगों का थर्टी है मेरे पास पूरा डिटेल है 3,30,000 लोगों का। और फ्री ऑफ कास्ट चलाता हूँ, अगर जिसके पास भाड़ा नहीं रहता तो भाड़ा दे करके भी भेजता हूँ। और भाई के लिए दिल से सलूट है और जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो आज के समय में नशा कर रहे हैं, दारू कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और चरस वगैरह पी रहे, उसके लिए आप नशा मुक्त करवा दिए है कि नहीं? जी जी जी। तो इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद है। लेकिन आपने एक मिसाल पेश किया है, देखिए मिसाल को संदेश के किस भाषा में? देखिए, एक बाजू मेरा हिंदू का है तो एक बाजू मेरा मुसलमान का है, दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए दोनों लेकर के चलता हूँ। दशहरे में मैं बहुत बड़ा पंडाल बनवाता हूँ और जब ये नहीं आता तो मैं तजिया बनवाया हूँ। मतलब दशहरे में आप पंडाल बनाते हैं माता दुर्गा का या लक्ष्मी जी का? जी जी जी। और ताजिया का जब समय आता है ताजिया बनाते हैं मुस्लिम लोग का? जी जी जी। तो ये बताइए, ये मुस्लिम लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है आपको? तो जितना हिंदू का मिलता है उतना मुसलमान का मिलता है, दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं पहले बता चुका हूँ। दोनों जिगर के टुकड़े हैं। अब मैं कहूँ तो आपको लोग, गाँव के लोग या जो लोग देख रहे हैं बहुत सारे नजरिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू होके मुस्लिम लोगों का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि हिंदू का ब्लड है कि मुसलमान का ब्लड है। एक बस में बैठते हैं तो वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि हिंदू चला रहा है कि मुसलमान चला रहा है। एक ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि हिंदू चला रहा है कि मुसलमान चला रहा है। एक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि हिंदू पढ़ा रहा है कि मुसलमान पढ़ा रहा है। तो हम लोग में आपस में मतभेद क्यों? आखिर क्यों? हम लोग एक इंसान है, इंसान बन के रहें, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। इंसान है, इंसानियत आप पेश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन लोगों का कहना है कि मुस्लिम लोग हिंदू धर्म को त्योहारों को नहीं मनाते हैं, बहुत सारे कमेंट सर ये गलत बात है। मुसलमान भाई जब मैं पंडाल बनवाया था 50% मुसलमान भाई मेरे सपोर्ट किए थे, उसको दहवाने में गया तो 50% मुसलमान दहवाने गए थे। मैं कैसे मान लूं गलत है लोग विसर्जन में, मैं कैसे मान लूं गलत है? आधा सब लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे पंडाल में हो चाहे इसमें हो, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग सपोर्ट करते हैं मेरा। आता हूँ, ये जो ताजिया बनाए हैं रकम तो बहुत ज्यादा लगा होगा, ये पैसा कहाँ से आया? दोनों मेरे भाई का तो मैं न्यू रख दिया और हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिल करके खड़ा कर दिए। मतलब हिंदू और मुस्लिम मिलकर चंदा दे दिए? जी। कितना खर्चा आया? 12-13 लाख रुपया आया है। 12-13 लाख रुपया खर्चा आया है। चाचा इधर थोड़ा सा आप आइए, इनको आप पहचान रहे हैं कौन है?
इन्होंने बहुत बड़ा मिसाल पेश किया हिंदू मुस्लिम का, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब क्या संदेश देंगे इनको? बढ़िया बढ़िया है, चाचा है, बुजुर्ग है, इन्होंने भी कहाँ से पाए हैं, कहाँ से पाए हैं? यही कराने वाले, यही स्थानीय है। लेकिन आप आते हैं आपके ताजिए को, वो लोग किस किस जिले से आके देखते हैं? देखिए ऐसा बात नहीं है किस किस जिले से, हमारे कुछ दोस्त लोग थे बम्बई से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए, लखनऊ से आए, बिहार से आए, नेपाल से भी आए हैं, लोग हर जगह से लोग आ चुके हैं। और कल लोग आएंगे, आप तो त्यौहार है, अब जाने रहे हैं, अपने अपने व्यस्त होंगे, कल कल हमारे भाई लोग और ज्यादा लोग आएंगे। तो आप यहाँ पे खेल वगैरह भी होता होगा? जी जी, तलवार वलवार फेंकते हैं लोग? जी, तलवार पे रोक है, लाठी के लिए मैं इनाम रखा हूँ, और जो जारी गाएगा उसके लिए 2 साइकिल रखा हूँ, और जो लाठी में जीतेगा उसको 1 साइकिल रखा हूँ। तलवार रोक लगा, सरकार रोक लगा दी थी? मैं खुद ही रोक लगाया हूँ कि भैया तलवार नहीं होगा यहाँ पे। अब कौन कौन सा खेल होगा यहाँ पे? लाठी और झारी। लाठी और झारी जी। और बाकी वो जो आज के उसी क्या बोलते हैं, वो तो जो भाला वाला से खेलते हैं लोग, वो नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन साइकिल इनाम रखे हैं, 3 साइकिल इनाम है, 3 साइकिल, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोली जी जी। यानी जो फर्स्ट आएगा, जो टीम जीतेगी, और उसके लिए भैया साइकिल देंगे, और इस ताजिए के निर्माता यही है। आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा मिसाल पेश किया है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम मिलके एक संदेश भी दे रहे हैं, और तमाम लोग इनके ऊपर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है ये अपने मिशन में कामयाब है। तो हमारा साफ सिद्धांत है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो हिंदू मुस्लिम को बुरा कहने वाला इंसान है वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। हाँ चलिए, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद है, और मैं ठान के चला हूँ जमीन से आसमान तक जाम कर दूंगा, जमी ससमा तक जाम कर दूंगा, दोस्तों का नाम का खूबसूरत शाम कर दूंगा। जिस दिन होगी मेरी दोस्ती में कमी, जिंदगी और मात हिंदू मुस्लिम के नाम कर दूंगा। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भैया की मैं कहूँ तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहा जाता है इंसान से हो इंसान का भाईचारा, वही पैगाम हमारा ए सहनी जी वही पैगाम दिए हैं हिंदू मुस्लिम एकता के। जो लोग हिंदू के नाम पर मुस्लिमों को लड़ा देते हैं, और मुस्लिमों को हिंदू के नाम पर लड़ा कर वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं, ये भैया कुशीनगर से एक ताजिया बना के, और एक मैं कहूँ तो मूर्ति भी बनाते हैं, दुर्गा पंडाल भी बनाते हैं, और विसर्जन भी करते हैं, संदेश देते हैं। और दूसरी बात, इसके हटते ही मेरा बहुत बड़ा जग होगा, जो इस कुशीनगर में सबसे बड़ा जग होगा वो मैं जग कराऊंगा। जग करवाने बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं राम और निषाद जी का मूर्ति लगवाने जा रहा हूँ, गले मिलते हुए मूर्ति लगेगा, बहुत बड़ा होगा। और हमारे जो अनुसूचित बिरादरी के भाई हैं उनके लिए मैं अम्बेडकर जी का मूर्ति भी लगवाता हूँ। भैया को सलूट है, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं उनकी भगवान जो जिसे मानते हैं अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएंगे, और जो राम प्रभु श्री राम को मानते हैं उनकी मूर्ति लगाएंगे। और किसकी मूर्ति लगाने वाले हैं? तो आपसे बता दिए तो राम और निषाद जी की मूर्ति लगवाएंगे। आप निषाद हैं, निषाद जी का भी मूर्ति लगाएंगे। चलिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इतना अच्छा है यहाँ पे तमाम माताएं हैं, थोड़ा सा इनसे व्यू ले लेते हैं। क्या कहेंगी आप, दर्शन करने कहाँ से आई है? सागर गोसाई से। सागर गोसाई से आई, इतना दूर से आई है, बहुत गर्मी पड़ रहा है माता जी। तो क्या हुआ, बाबा का दर्शन करने आए हैं? दर्शन हो गया, आशीर्वाद मिल गया। अब लग रहा है माता जी को आशीर्वाद मिल गया है, लोग अपने अपने मन्नतों को मान रहे हैं, और यही बाबा जी है, और मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। चाहे किसी भी धर्म से हो, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और ये बाबा का दर्शन कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं 7-8 महीने से इसे बनाने में 7-8 महीने लग गया, और अलग अलग जगहों से इसका पिलरिंग किया गया है, और इसे ऊपर चढ़ाने के लिए क्रेन वगैरह को भी व्यवस्था की गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर है, अंदर की गुफा के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से लोग आए हैं, और मैं गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, और सबसे पहले इस बाबा के दरबार से आप लोगों को संदेश पहुंचाया, और इस संदेश को आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।